नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में गणेश महोत्सव की धूम। भगवान विनायक के दर्शनों के लिए लगा भक्तों का तांता। भगवान गणपति का हुआ विशेष श्रृंगार। रात्रि 12 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। भगवान श्री गणेश का जन्म महोत्सव सिरसा के धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री गणेश मंदिर में हुआ। गणेश महोत्सव को लेकर के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कतारबंद होकर के श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों ने भगवान विनायक की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री गणेश मंदिर में भव्य रूप से भगवान की मूर्ति को सजाया गया। मंदिर को भी बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया। भगवान विनायक का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। महोत्सव की कथा भी की गई और भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। भादव मास की शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है। मोदकों का भोग भगवान को लगाया जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कार्यक्रम रात्रि 12 बजे तक चलेगा। पुजारी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल की एक खास रिपोर्ट। नमो नमः अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयादिगस्त समर्थवा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलम् नमोस्तुते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभिनमस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु वद संकल्पः। दाहिने हाथ में पुष्प पुत्र पौत्रादिकों की वृद्धि हो। भगवान का सुबह रात को 2 बजे से हम दरबार में ब्राह्मण लोग होते हैं, फिर भगवान का दूध दही पंचम से रात्रि को स्नान कराते हैं। 5 बजे की प्रक्रिया चलती है, स्नान अलग अलग होता है, पंचोपचार षोडशोपचार पूजा होती है, फिर भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद में 6 बजे करीब हम भगवान में भोग लगाते हैं। भक्तों की खुशी का तो पारा वार नहीं है, रात भर सोते नहीं है, यहीं लेटे होते हैं, यहीं बैठे होते हैं, सारी रात चलता रहता है प्रोग्राम। भगवान की सजावट चलती रहती है। आज रात को भी भगवान का संकीर्तन रहेगा रात्रि का मंदिर के प्रांगण के बाहर। भगवान की कृपा से रोज भगवान सबके कामनाएं पूर्ण बढ़ते जा रहे हैं।